ह्यूमन में जो अपने को डाइजेशन देखने के लिए मिलेगा बच्चों, वो देखने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर कैसा देखने के लिए मिलेगा बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने के लिए मिलेगा अच्छा अब ये बात समझिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते किस द डाइजेशन इज अकर हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर एसोसिएटेड ग्लैंड जिस डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल का एसोसिएशन हो

एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टार्ट होगा बेटा इट इज स्टार्ट यहाँ देखिए स्टार्ट है बेटा माउथ से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट टू द एनस और ये कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है बच्चों एनस पे कंप्लीट हो रहा है अगर कई बार बोर्ड में सवाल पूछ लेता है कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है बच्चों तो लेंथ अगर इसका देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होगा वो होता है बच्चों नाइन से 9.5 मीटर लॉन्ग, यानी ओरल से लेकर के माउथ से लेकर के जो अगर आप एनस तक का देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टू एनस तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट कहा हो रहा है बच्चों एनस पे हो रहा है कंप्लीट लेंथ इसका कितना है नाइन से नाइन मीटर अब उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड आ जाएंगे ये gland यहां आ गया तो इसके अंदर है है बच्चों gland, जो जो कि कि में में होगा होगा उसके बाद है gastric gland, जो stomach में present होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे पेनक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है सारे ग्लैंड को भी एक एक करके देखेंगे अभी अब आगे बात करते हैं चीजों को यहां पर समझ में आ गया कि को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया एलिमेंट्री कैनाल और देर एसोसिएटेड ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से स्टार्ट होगा एडस पे कंप्लीट होगा एसोसिएटेड ग्लैंड में अपने पास देखने के लिए पांच टाइप के ग्लैंड मिलेंगे सेलेवरी ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड है लिवर है पेनक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है क्लियर चलिए अब ये स्टार्ट हुआ बच्चों कहाँ से माउथ से स्टार्ट हुआ मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होगा बच्चों वो स्टार्ट कहां से होगा एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट टू एनस लेंथ कितना होगा बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं nine से मीटर ओके okay. तो इसमें देख लेते हैं पैसेज कई बार सवाल जो है वो पैसेज से सवाल पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग्वेंस राइट राइट पाथवे इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक का राइट right पाथवे कौन सा है तो देखो बेटा माउथ माउथ के बाद आएगा फेरिंग्स डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन लैरिंग्स लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहेंगे वॉइस बॉक्स कहेंगे फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद है बच्चों ईसोफेगस ईसोफेगस के बाद फूड पहुंचेगा स्टमक स्टमक के बाद जो फूड पहुंचेगा वो होगा बच्चों कहा ये डिओडेनम जेजुनम और इलियम ये जो तीनों पार्ट है बच्चों अगर देखें आप ये जो तीनों पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है यानी मैं फिर से लिख देता हूं आपके सामने स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ माउथ के बाद आएगा बच्चों फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद आएगा बच्चों ईसोफेगस ईसोफेगस के बाद आएगा बच्चों स्टमक स्टमक के बाद आएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ही ये पार्ट है कौन कौन से बेटा डिओडेनम जेजूनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा बच्चों कोलन रिक्ट और देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बच्चों एनस तो ये एक राइट पाथवे फ्रॉम द माउथ ओरल कैविटी टू कंप्लीट एनस तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल का

इसके पास क्या-क्या होता है बेटा? साथ साथ ही पर आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं बच्चों। इट कंटेन सिलेवरी क्लैंड इट ओपन आउटसाइड थ्रो बाय द माउथ एपरचर ये जो आगे की तरफ ओपन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे जो ओपनिंग है हमारी माउथ की उसे माउथ अपर्चर बोलेंगे इट लाइज बिलो द कैविटी एंड सेपरेट फ्रॉम बाई पैलेट ये नेता है बाई द विदेल ऑफ पैलेट पैलेट के थ्रू द हार्ड पैलेट फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ कंटिन्यूअस कहता है पॉस्टरली इन टू द सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट से स्टार्ट होगा ये और सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड होगा ये

क्या कहा मैंने यहाँ पर कहा कि जो आपका माउथ है जो ओरल कैविटी है ओरल कैविटी एक आपके ओपन आप, होगा पॉस्टर के थ्रू ओपन आगे की तरफ एक पोर्चर में ओपन होगा जिसको आप लोग बोलेंगे माउथ अपर्चर बोलेंगे यानी ये ये जो ओपनिंग है क्या कहलाएगा कहलाएगा आपकी माउथ कहला अपर्चर इसके अंदर आपको तीन चीजें पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा माउथ के अंदर आएगा सबसे पहले टीथ टीथ के बाद आएगा बच्चों किस चीजों के बारे में बात करें हम लोग टीथ के बाद आएगा टंग टंग के बाद आ जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या चीज है सिलेवरी ग्लैंड ठीक है ये तीन चीजें टीथ टंग एंड ग्लैंड माउथ के अंदर अगर हम ये अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर दो पैलेट होते हैं तो आप जब माउथ की ओपनिंग करते हैं तो आपको एक आ, एक समझ लीजिए कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखता है दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इसे हम लोग क्या कहते हैं यहां पर मेंशन किया है इन्होंने दैट यूला इसे क्या कहेंगे बेटा

एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्लियर दूसरी चीजें इस स्लेवरी ग्लैंड से किस चीजों का सेक्रेशन होगा बच्चों स्लेवरी ग्लैंड से सेक्रेशन होगा सलाइवा का स्लेवरी ग्लैंड से किस चीजों का सेक्रेशन होगा सलाइवा का सेक्रेशन होगा इस सलाइवा का बच्चों याद रखिएगा पीएच वैल्यू 6.8 होता है ठीक है निकका का इस सलाइवरी ग्लैंड से किस चीजों का सेcretion हो रहा है सलाइवा का सेcretion हो रहा है और इस सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों 6.8 होता है अच्छा बच्चों इस सलाइवा के अंदर अगर हमारा बात करें तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों सलाइवरी एमाइलेज क्या कहेंगे सलाइवरी एमाइलेज या इसका दूसरा नाम और इसे हम लोग बोलते हैं बेटा टाइलीन भी क्या बोलेंगे सेलेवरी अमाइलेज या इसे हम लोग क्या कहेंगे टाइलिन कहेंगे तो ये सेलेवरी अमाइलेज या टाइलिन काम किस पे करता है बेटा ये एक्ट करता है यानी मैं लिख सकता हूं इट हेल्प इन इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये जो सलाइवा है या सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है सलेवरी अमाइलेज या टाइलीन ये किस चीजों का डाइजेशन करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का ग्लाइकोजेन का डाइजेशन करता है माउथ में स्टार्ट करता है तो पहला सवाल यहां से कि डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल कैविटी माउथ से स्टार्ट होता है किस चीज का डाइजेशन होता है बेटा क्या प्रोटीन का होता है नहीं क्या फैट का होता है नहीं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ओरल कैविटी में माउथ में स्टार्ट क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सलाइवा जो सेक्रेशन होगा माउथ के अंदर उसका पीएच वैल्यू क्या होगा उसका पीएच वैल्यू होगा बेटा 6.8 याद रहेगा हमने कहा कि अच्छा एक बात और याद रखिएगा बेटा कि इस सलाइवरी एमाइलेज के अंदर एक और तरीके का एंजाइम होगा एक और एंजाइम होगा उस एंजाइम को कहेंगे बच्चों क्या लाइसो जाइम कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों से लाइसोजाइम कहेंगे यह लाइसोजाइम किस चीजों में मदद करता है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडो

ये तीन में होते हैं पहला है बच्चों उसके बाद है सब इस, आ, सब और तीसरा है बेटा क्या कहा मैंने तीन तरीके के सिलेवरी ग्लैंड थ्री पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड होते हैं सब कौन कौन से बेटा पैरोटेड सिलेवरी ग्लैंड दूसरा है सबमैंडिब्यूलर स्लैवरी ग्लैंड और तीसरा है सबलिंग ग्लैंड क्लियर अब अगर सबसे बात पोजीशन की पूछ ले तो पैरोटेड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है बच्चों याद रखेगा पैरोटेड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो ईयर ये ईयर के कान के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है या आप लिख सकते हो यहां पर जस्ट जहां पर एक्स्ट्रा मोलर टीथ होता है बच्चों एक्स्ट्रा मोलर टीथ होता है आपका

जस्ट बिलो द ये टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और सब मैंडीब्यूलर ग्लैंड जो होंगे वो साइड जॉ में प्रेजेंट होंगे यहां साइड जॉ के पास प्रेजेंट होंगे यानी इस वाले हिस्से पर देखो अगर आप यहां पर ये वाले रीजन पे क्या है हमारे सब मैंडीब्यूलर ग्लैंड है टंग के नीचे कौन सा है लिंगुअल लिंग वर्ड जब भी आए तो कहां से जुड़ोगे आप टंग से रिलेट करोगे तो सब सबलिंगुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टंग पैरोटिड जस्ट बिलो द ईयर लोकेशन से कई बार सवाल पूछ लेता है बच्चों तो याद रखिएगा इन चीजों को क्लियर टू एवरीवन आई होप यहां तक क्रिस्टल क्लियर होगा आगे बढ़े हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट ये आपके सामने है एक ओरल कैविटी पूरा स्ट्रक्चर आप लोग आई होप कि ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा वहीं से लिया हुआ ये डायग्राम है आपका

Small intestine ही, अकेला कितना हो जाता है 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 है? बच्चों? से six point five meter लंबा होता बेटा। जी नाम है छोटा, लेकिन size में क्या सबसे तो ये आपको I hope, बनाना चाहिए और दो से तीन बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे ताकि आप एक वेल लेबल डायग्राम आप वहां लेबल करके आए अपने एग्जामिनेशन के अंदर चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग किस चीजों का बेटा कि टीथ जॉ के बारे में अगर बात करते हैं जॉ इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी आर प्रोवाइड फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज हेट्रोडोन टीथ देखो बच्चों अगर हम लोग बात करें टीथ के बारे में तो देखिए एक बात हम आपको बता दें कि जितने भी टीथ होते हैं ईच टीथ इज इंबेडेड इन अ बोनी सॉकेट ईच टीथ इज Embedded, embedded का मतलब क्या बेटा धसा हुआ Embedded इन बोनी सॉकेट जॉ या बोनी jaw के अंदर भी आप लिख सकते हैं जो भी दांत जबरे के अंदर मसूरे के अंदर धंसा हुआ होगा इस टाइप के टीथ को बच्चों कहेंगे थी टीथ कहेंगे याद रहेगा बच्चों

तो ह्यूमन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है ह्यूमन के पास क्या बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को हमारा आप क्या कहेंगे बेटा याद रखिएगा हमारा आप इसे ह्यूमन के पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों हिट्रो डोंट

Teeth. Teeth या नहीं आई होप आ गया होगा चलिए बच्चों फॉर्मूला इन अटा ह्यूमन में क्या होता है कि दो तरीके के दांत होते हैं टू से टीथ प्राइमरी सेल्सोल्ड एज मिल्क टीथ एंड दूसरा होता परमानेंट टीथ मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ जब आपके दूध के दांत टूट जाते हैं तो आपके अंदर आता है परमानेंट टीथ बेटा ठीक है दूध वाले दांत यानी जो आप बच्चों के अंदर एक डेढ़ साल के आने के बाद नौ महीने का बच्चा होता है दो, दो दांत आने शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद उनके अंदर टोटल दांत आते हैं देखते हैं कितने दांत होते हैं ट्वेंटी टीथ आते हैं जब ये रिप्लेस हो जाता है तो बच्चों के अंदर ये टूट करके परमानेंट टीथ आता है और परमानेंट टीथ जब एक बार आ गया अगर ये टूट गया तो ये फिर दोबारा नहीं आएगा तो दांतों की बचाव कीजिए आप अपने चलिए

देखो बच्चों मिल्क टीथ को रिप्लेस करने के लिए मैं अगर आपको एक डेंटल फार्मूला बताऊं तो डेंटल फॉर्मूला हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं जरा समझिएगा अपर हाफ जॉ क्या लिखेंगे बेटा हम लोग अपर हाफ जॉ अपॉन लोअर हाफ जॉ थोड़ा सा एक सेकेंड अरे भाई ये है बच्चों अपर जॉ ये आपका क्या रहा चलो इधर लिख देते हैं अपर जॉ ये रहा आपका बच्चों ये रहा बच्चों आपका लोअर जॉ देखिए इस अपर हाफ जॉ में जो छोटे बच्चे टीथ वाले बच्चे जिनके अंदर दूध के दांत हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इसकी आ, पोजीशन होती है उन चीजों को समझ लेते हैं इंसीजर सबसे पहले होगा फिर केनाइन होगा फिर प्रीमोलर और देन बच्चों मोलर क्या कहा मैंने इंसीजर प्री प्रीमोलर एंड देन मोलर तो बच्चों के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों याद रखिएगा क्या टू इंसीजर टू वन एक केनाइन जीरो प्रीमोलर और दो मोलर टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू क्या होता है बच्चों टू वन मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं बच्चों के अंदर अगर डेंटल फार्मूला देखेंगे चाइल्ड के अंदर मैं चाइल्ड की बात कर रहा हूँ बेटा तो चाइल्ड के अंदर बच्चों के अंदर क्या होगा बच्चों टू वन जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई टू ये टू किसका नंबर है बेटा शुरुआत में जो पोजीशन है ये इंसीजर है बच्चों ये कैनाइन है ये प्रीमोलर है और दो नंबर मोलर का है यहां से शुरू हुआ अपर जॉ से यहाँ से अपर जॉ हाफ जो यहां से यहाँ तक टू वन, जीरो टू, टू वन जीरो टू तो अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर तो दो और एक तीन और दो पांच अपॉन फाइव यानी से यहां तक हाफ जॉ में कितने दांत बच्चों के पांच तो पांच दुनी दस ऊपर के जॉ में दस दांत और नीचे के जॉ में दस दांत तो, तो टोटल मैथ मत लगाइएगा बेटा मैथ्स वाले टीचर को लाइएगा एक दांत कर देंगे वो यहाँ बायो में

और बच्चों के अंदर एक और दांत नहीं होता है बच्चों वो क्या एक्स्ट्रा मोलर जिसको गांव घर में लोग अकल दांत भी कहते हैं तो जाहिर सी बात है अकल दांत अभी आपके नहीं आए बात सही भी अकल भी नहीं आया कुछ लोगों के है भी तो घुटने में <laughs> चलिए जोक सपाट अकल दात यहाँ पर अभी बात करेगी कि अकलदात होता क्या क्यों इसका नाम अकल अकलदात गांव घर के लोग कहते हैं इसे इसे या या एक्स्ट्रा मोलर टीथ टीथ इंग्लिश में विजडम क्यों कहते हैं इस पर भी बात करेंगे ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई बेटा अच्छा ये थोड़ा सा ओवर प्रिंटिंग हो गया तो इसको आप में निगलेक्ट कीजिएगा ये आप उतारिएगा बच्चों के अंदर बच्चों का डेंटल फार्मूला टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई टू क्लियर अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एडल्ट के अंदर चलिए एक सेकंड अभी आप पीछे ही रह लेते इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं स्पेस थोड़ा सा अपने पास का मैं तो ये वाला पार्ट अरे भाई रब कर रहे हैं। अरे यार एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला फॉर किसके लिए बच्चों एडल्ट तो एडल्ट के लिए भी होता है अपर हाफ जो अपॉन लोअर हाफ जो मल्टीप्लाइड बाय टू लेकिन यहां पर थोड़ा सा नंबर ऑफ टीथ बदल जाता है बेटा टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू फिर से मैं कह रहा हूं यहां पर टू नंबर किसका है बेटा ये पहले नंबर पे जो है वो इंसीजर की पोजीशन है ये फ्रंट पे टीथ जो है वो इंसीजर है फिर केनाइन है फिर प्रीमोलर है और देन मोलर है आई बात समझ में के प्री मोलर एंड मोलर। देखो बच्चों के अंदर जो थे, चिल्ड्रेन थे उनके अंदर प्रीमोलर नहीं पाया जाता था यहां एडल्ट के अंदर प्रीमोलर पाया जा रहा है और मल्टीप्लाइड बाई टू तो अगर देखोगे तो थ्री टू फाइव फाइव वन सिक्स टू एट तो अपर हाफ जो में एट हाफ जो में लोअर हाफ जो में एट मल्टीप्लाइड बाई टू तो क्या होगा बेटा एट टू अपॉन सिक्सटीन मल्टीप्लाई तो कितने दांत हो जाएंगे टोटल अपर फुल 16 फुल जॉ जॉ में में दांत दांत लोअर टीथ तो टोटल हो गए अब कहोगे सर यहां पर बच्चों के अंदर अगर हमने पढ़ा तो बच्चों के अंदर यहां पर एक्स्ट्रा मोलर टीथ ये जो थ्री है ये एक तो प्रीमोलर नहीं था और दूसरा बच्चों क्या नहीं था एक्स्ट्रा मोलर टीथ नहीं था जनरली जो एक्स्ट्रा मोलर टीथ होता है ना बच्चों एक्स्ट्रा मोलर टीथ होता है एक्स्ट्रा मोलर टीथ की अगर हम बात करें तो ये जनरली 18 से 25 साल की उम्र में आता है ठीक है 18 से 25 वर्ष के आयु के बाद आता है उम्र के बाद आता है तो जनरली अगर देखा जाए तो इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी अकल तो आपको है मैं जानता हूं समझता हूं आप बहुत समझदार हैं आप बच्चे लेकिन अभी भी आपके अंदर मैच्योरनेस नहीं है डिसीजन मेकर्स आप नहीं है आपके घर में अभी भी कोई भी डिसीजन होता होगा कोई बातें होती होगी तो मम्मी पापा कहते बेटा बेटा बड़ा बाहर बैठ कर लो बेटा। जाओ हॉल में बैठो क्योंकि अभी आपको डिसीजन डिसीजन मेकर्स उतने आप नहीं नहीं हुए कि 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 मेकिंग ले सके तो वही चीज है पर कहने का विजडम टीथ ऐसा नहीं कि आपके अंदर अकल नहीं है दांत नहीं है तो अकल नहीं है दांत आ जाएगा तो अकल आ जाएगा कुछ लोगों के अंदर तो बेटा पचास साल की उम्र तक नहीं आता पैंतालीस साल की उम्र में आता है चौतीस साल की उम्र में आता है तो इसका क्या मतलब है कि उनको चौतीस साल तक अकल था ही नहीं ऐसा नहीं है विजडम नहीं था उनके अंदर ऐसा नहीं है जनरली के के बाद इंसानों अंदर आ जाता है अपनी जिम्मेदारियों का उसे पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना, लाइफ में क्या करना, है, नहीं करना है। तो, आ जाता है। तो ये दांत आने का एक सिंबल माना गया गांव घर में कि अकल हो गया है, अकल बुद्धि आ गई है उसके अंदर समझदारी आ गई है मेच्योरनेस आ गया क्लियर यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्रिस्टल है चलिए इसे जरा आप नोट कीजिए स्क्रीन लीजिए आप इसका ओके okay, बच्चों यहां तक समझ में आ आगे बातें डेंटल फॉर्मूला फॉर द एडल्ट फॉर द चाइल्ड दोनों यहां पर क्लियर हो गए आपके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा के बारे में कहता है एट द द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी इज प्रेजेंट अ मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन द टंग देखो हमारे जो फ्लोर है टंग ओरल कैविटी का उस ओरल कैविटी पे एक मस्कुलरिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सेंस भी करने का कैपेबिलिटी रखता है

टेस्ट बट इट ऑल्सो इन दूड एंडियल फॉर द स्पीच खाने को निकलने में भी टंग मदद करता है कई बार आपने देखा होगा कि टंग कई बार जबान से खाते वक्त कट जाता है तो फिर आपको स्वेल करने में निगलने में किसी चीज को तकलीफ होती है दिक्कत होती है तो ये एक स्वेलिंग ऑर्गन भी है आप इसे स्वेल करते भी हो आप इसके लिए असेंशियल फॉर द स्पीच बोलने में भी ये मदद करता है अच्छा बच्चो कुछ चीजें और करता है ये कुछ एनिमल में सम एनिमल में क्लीनिंग ऑफ टीथ दांतों की सफाई करने में मदद करता है बेटा ये कुछ जानवरों में ये स्किन की यार स्किन की क्लीनिंग करता है बात समझ में कुत्ते को देख लो भैंस को देख लो डॉग को काफेलोज को को टंग से अपने स्किन की भी क्लीनिंग कर लेते हैं आपके दांतों में कुछ फंसा हुआ है आप उससे भी टंग से टीथ की क्लीनिंग कर लेते हो कुछ एनिमल में तो यह बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं बेटा मेंटेनिंग ऑफ वाटर कंसंट्रेशन लेवल कॉल्ड एज ऑसमो रेगुलेशन जैसे डॉग को गर्मी ज्यादा हो रहती है तो देखा होगा आपने वो टंग को अपने बाहर निकाल करके बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन कर रहा होता है ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा होता है, रहा होता है. समझ में आ यहां पर या नहीं चीजों में मदद कर रहा होगा होता है बेटा ऑसमो रेगुलेशन में नेक्स्ट फैरिंग्स इट इज वाइड ओपनिंग ऑफ द बैक ऑफ द माउथ माउथ के अंदर अंदर तरफ में अंदर हिस्से में हम क्या करते हैं एक वाइड चौड़ा ओपनिंग प्रेजेंट है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए फैरिंग्स इज ये मार्कर सही दिख रहा है ना क्लीनिंग है हा फैरिंग्स इज आल्सो नोन एज कॉमन पैसेज फॉर पासिंग ऑफ फूड एंड एयर खाने और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है बेटा जो फूड आप ले रहे हो भोज्य पदार्थ आप ले रहे हो ओरल कैविटी से उसका रास्ता और जो एयर ले रहे हो दोनों का कॉमन पैसेज फायरिंग होता है तो सवाल पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन पैसेज फॉर द पासिंग ऑफ फूड एंड एयर तो आप क्या लिखेंगे फेरिंग्स बैर कैप कहता है पोस्टरियरली इट लीड्स इनटू अ टू ट्यूब ये दो ट्यूब में अंदर की तरफ खुलता है ग्लट फूड पाइप एंड ग्लॉटिस यानी विंड पाइप इन फ्रंट ऑफ द ग्लॉटिस अ मस्कुलर फ्लैप लाइक ए स्ट्रक्चर व्हिच इज क्लोज्ड द ग्लॉटिस व्हेन द फूड इज स्वॉल्ल्ड इज कॉल्ड एज क्या कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एपी ग्लोटिस कहते हैं बच्चों से फैरिंग uh, इंटरनल आपको पहले जरा सा आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी समझाते हैं ये पहला पॉइंट तो क्या समझ में आया कि फैरिंग्स इज आल्सो नोन एज अ कॉमन पैसे फॉर पासिंग ऑफ फूड एंड एयर देखिए दूसरा लाइन कह रहा है यहां पर कि फैरिंग्स का जो अंदरूनी हिस्सा है वो दो लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील होगा क्या होगा बच्चों दो लाइक स्ट्रक्चर में बदलेगा क्योंकि कॉमन पैसेज है ना कॉमन पैसेज के बाद रास्ता चेंज होगा बच्चों याद रखिएगा? अरे यार चलो कॉमन पैसेज के बाद बच्चों फूड को जाना है इसोफेगस में और एयर को जाना है बच्चों कहा ट्रैक में विंड पाइप में लंग्स में जाना है अब दोनों तो अपने अपने रास्ते को चेंज करेंगे तो देखो बेटा जो फूड पाइप होता है वो कहलाता है ग्लट इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज बच्चों फूड पाइप फूड पाइप को हम लोग एक और नाम से जानेंगे बच्चों इसोफेगस और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे ग्लोटिस इसे हम लोग कहेंगे बेटा विंड पाइप विंड पाइप को हम लोग एक और नाम से जानेंगे क्या कहेंगे बेटा ट्रेकिया इस फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर एक ये जो आपको लाइक स्ट्रक्चर -like दिख रहा है इसको बोलते बेटा एपी ग्लोटिस क्या बोलते इसे एपी ग्लोटिस आ रही बात समझ में अब यहां से एयर को इस तरफ जाना है विंड पाइप में जाना है ट्रेकिया में जाना है फूड को इधर जाना है तो जनरली जब हम फूड को निगलते हैं इंगल्फ करते हैं तो हम एक प्रेशर लगाते हैं ऐसे करके वो प्रेशर के की, की वजह से ये फूड पाइप खुल जाता है जिससे जो खाना है बच्चों वो फूड आसानी से ट्रैक फूड पाइप में चला जाता है इसोफेगस पे चला जाता है क्लियर बट कई बार ये होता है कि जब हम खाने पर बातचीत कर रहे होते ध्यान हमारा कंसंट्रेशन फूड पे नहीं होता है चबाने पे नहीं होता है फूड को चीव करने पे नहीं होता है तो कुछ फूड के पार्टिकल्स भी चले जाते हैं विंड पाइप में अब विंड पाइप में जाएंगे तो बेटा वो कहां चला जाएगा लंग्स में चला जाएगा इंफेक्शन हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसा होने नहीं दिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको आप खांसते है कफी खाती है जिसको लोग कहते हैं ना खा रहे होते तो आप सड़क जाते तो कहते किसी ने याद किया ऐसा आप इतना अच्छा काम नहीं करते कि आपको कोई याद करेगा ठीक है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों याद रखिएगा कि जब हम कफिंग करते हैं तो हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं टूव द आउटसाइड जिसकी वजह से जो खाना फूड पाइप में की जगह विंड पाइप में जा रहा था वो वापस आकर के फूड पाइप में जा जाता है क्लियर तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल इट प्रिवेंट द पासिंग ऑफ फूड वॉल्यू प्रवेंट दसिंग ऑफ फूड इंटू कहा बच्चों विंड पाइप या आप लिख सकते हो बच्चों कहा ग्लो uh, क्या कहते हैं ग्लोटिस या आप लिख सकते हो यहां पर ट्रैक सही बात है समझ में आ गया यहां पर ये क्या होता है ग्लोटिस क्या करता है बेटा या बिग लॉटिस क्या करता है प्रिवेंट द पासिंग ऑफ फूड बोलर्स इनटू द ट्रैकिया ट्रैकिया में फूड के बोलर्स को जाने से क्या करता है बेटा रोकता है यहां तक क्लियर है चलिए फेरिंग्स के बाद हम लोग बात करते हैं इसोफेगस के बारे में इसोफेगस को हम लोग बोलते हैं क्योंकि फूड यहां से देखिए फूड यहां से कहां पहुंचा बेटा ईसोफेगस में आया अब ईसोफेगस में आने के बाद फूड क्या होगा देखिएगा इट अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्टेड विद द माउथ टू स्टमक माउथ और स्टमक के बीच का कनेक्शन क्रिएट करता है ये माउथ को स्टमक से जोड़ने का काम करता है इसकी अगर हम लोग बात करें बच्चों लेंथ की तो लेंथ इसका कितना हो जाता है बेटा लगभग लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये ये पूरा का पूरा मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ स्ट्रक्चर है बेटा अंदर नो कार्टिलेज नो बोन फूड पास थ्रो दिसोफेगस टू बाई दूवमेंट इन मस्कुलर वॉल समझते इस इस वर्ड को? देखो बेटा जैसे ही इसोफेगस के वॉल पर फूड आता है ठीक है जैसे ही इसोफेगस के वॉल पे फूड आता है इसोफेगस के अंदर क्या होने लगता है बेटा अरे भाई आ जा फूड आया तो फूड के आने से इसोफेगस के वॉल पर एक वेव डेवलप होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लाइक दैट ये फूड को कैप्चर किया ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ये नीचे की तरफ रिलैक्स करेगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगता है एक वेव डेवलप होता है जिससे फूड पार्टिकल्स इजीली इसोफेगस में ट्रैवल कर लेते हैं क्योंकि इसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम कोई भी ग्लैंड नहीं है जो कि उसे आ, लुब्रिकेट करके आसानी से नीचे भेज दे या फिर जो सलाइवा से लुब्रिकेट हुआ उसी से वो नीचे की तरफ आएगा समझ में आ रही बात है तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि इन मूवमेंट कहेंगे? कहेंगे बच्चों और ये मूवमेंट बच्चों इनवॉलेंट्री होता है आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते <coughs> समझ में आई बात है यहां पर मैंने क्या कहा इन द फूड फूड बोल कम ऑन द दॉल ऑफिज डेवलप स्टमक की तरफ उसे मूव करने में मदद करेगा क्लियर है बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर ये पूरा का पूरा मस्कुलरिस्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है जब कोई ग्लैंड नहीं है बेटा नो ग्लैंड इट मीन नो एंजाइम और नो एंजाइम मीन बोलो नो no डाइजेशन तो याद रखिएगा इसोफेगस के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है ना ही वो कार्बोहाइड्रेट का ना ही वो प्रोटीन का ना ही वो फू क्या कहते फैट का ना ही वो न्यूक्लिक एसिड का किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन यहां पर

अब बात करते हैं यहां पर स्टमक के बारे में तो इट इज अ लार्ज मस्कुलर इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर यह एक लार्ज मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है ना सिचुएटेड बिलो द डाइफ्राम डाइफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड पे ये जो साइड है आपका ये डाइफ्राम चेस्ट कैविटी आपका इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है आपका यहां पर आपके क्या है स्टमक प्रेजेंट है याद रखिएगा ये जो है बेटा स्टमक लार्जेस्ट पार्ट है लार्जेस्ट क्या है बच्चों पार्ट है किसका एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मैं पॉइंट भी नोटेड लॉन्गेस्ट नहीं कह रहा बच्चों लार्जेस्ट कह रहा हूं तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा स्टमक होगा लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगेगा द वॉल ऑफ आर सप्लाइड विद द ग्लैंडुलर एपिथिलियम टिश्यू

आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन बातों को जरा समझते हैं है स्टमक बच्चों यह क्या है आपके सामने ये कि स्टमक का डायग्राम है इस स्टमक के जरा डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि स्टमक होता कैसे है कैसे ये इेगस जो फूड को लेकर के आ रहा है हमने कहा है स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है देखिए आप इसको अगर थोड़ा सा ये वाला पार्ट को इमेजिन कीजिए ऐसे रब करने का तो आपको ये दिखेगा कि जे शेप्ड है ठीक है जे है जिसके तीन पार्ट होते हैं पार्ट है बेटा फंडस टॉप पे जो कि के साइड होता है दूसरा है कार्डिया और तीसरा है बेटा पाइलोरिक ठीक है और ये पायलोरिस पार्ट जो है बेटा ये स्मॉल इंडेस्टाइड में ओपन होता है ये पायलोरिस पार्ट आगे का पार्ट क्या कहलाएगा स्मॉल क्या कहलाएगा यहां से शुरू होगा अब यहां पर समझने वाली बात यह कि इसके पास होते हैं बेटा गैस्ट्रिक इस जो मस्कुलर वॉल है इस मस्कुलर वॉल के पास होता है बच्चों क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड इस गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशन होता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस का किसका सेक्रेशन होता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस का लगभग लगभग तीन से चार लीटर एवरी सेक्रेशन होता है गैस्ट्रिक का, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होगा बच्चों इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ चीजें होती है जैसे इसके अंदर होता है एच जैसे इसके अंदर होता है बेटा पेप्सिनोजेन जैसे इसके अंदर होता है बच्चों प्रोरेनिन जैसे इसके अंदर होता है बच्चों म्यूकस सॉरी oh. जैसे इसके अंदर होगा है? म्यूकस

लेकिन वो इतने अमाउंट में बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार नहीं पाता है तो जो माउथ में ओरल कैविटी में बैक्टीरिया पैथोजेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं हो पाते हैं वो स्टमक में आने के बाद इस हाइली एसिडिक मीडियम एचसीएल की वजह से क्या होते मर जाते हैं तो एचसीएल का पहला काम क्या बोलिए बेटा किलिंग ऑफ पैथोजन पैथोजेन किसको बोलेंगे बेटा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड एज पैथोजिन पैथोजन को मारने के बाद दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा ओहो हो सॉरी दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा बच्चो इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ये इंजाइम का एक्टिवेशन करता है बेटा देखो एक बात तुम अपने भेजे में बिठा लो दिमाग में एकदम कैप्चर कर लो कि जिस भी एंजाइम के लास्ट में अगर ओ जी ई एन लगा है या अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में प्रो लगा हुआ है इत्मीन वो एंजाइम है उसे अपने को एक्टिवेट करना पड़ेगा आई बात समझ में अब जब इस एंजाइम को एक्टिवेट करना पड़ेगा मतलब ये सोया हुआ एक तरीके से जैसे बेटा तुम सुबह सोए हुए मस्त एकदम कंबल टान करके

कौन काम करेगा बेटा एच काम करेगा और इसे बदल देगा बोलो किसमें पेप्सिन में ठीक उसके बाद बेटा तुम्हारे पास प्रोरेनिन भी है इस प्रोरेनिन पे भी कौन काम करेगा बेटा एच और उसे बदल देगा किसमें रेनिन में पॉइंट भी नोटेड मैंने रेनिन लिखा है एक रेनिन हार्मोन भी होता है और वो रेनिन क्या कहलाता है बेटा दैट रेनिन हार्मोन हॉर्मोन वो किडनी में पढ़ेंगे वो सिंगल एनाइन वाला होता है प्रोनशिएशन दोनों का सेम है तो डबल एनाइन वाला एंजाइम वाला एनजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन किस चीजों में मदद करेगा बेटा डबल एनाइन वाला जो हार्मोन है सॉरी एंजाइम है ये हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में तो पूछा जाएगा मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड एज रेनिन नॉर्मल प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो स्टमक में एंजाइम होते हैं उस एंजाइम का क्या नाम बताओगे बोलो बच्चों उसका एंजाइम का नाम बताओगे पेप्सिन ये किस चीज के लिए बेटा ये नॉर्मल प्रोटीन जो आप अंडे मीट मछली से लेते हो नॉर्मल प्रोटीन के लिए हो गया ये लेकिन जो मिल्क वाला प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन है उसका क्या नाम है बच्चों उसको डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होगा वो रेनिन होगा क्लियर आ गई बात समझ में यहां तक आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि एचसीएल जब 1.8 का है तो ये हमारे स्टमक के इनर वॉल को क्यों नहीं डैमेज कर रहा है

कुछ बैक्टीरिया पाने की वजह से है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा क्या हेलिको बैक्टर हेलिकोबैक्टर हेलिको बैक्टर पाइलोरिस की वजह से डिजीज होती है क्या नाम है उसका पेप्टिक अल्सर इसके बारे में हम लोग जब क्लास नाइन डू बी फॉल डिस्कस कर रहे होंगे तो के बारे में भी हेलीकॉप्टर पाइलोरस के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो अभी याद रखना है एच सी एल काम हो गया क्या हो गया प्रोटीन साथ, डाइजेशन में मदद करेगा का काम क्या हो गया ये भी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा लेकिन मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बच्चों अच्छा चलिए एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर अभी ये वाले पॉइंट्स को आप अभी डिग्लेक्ट कीजिए मैंने कहा यहाँ पर ये, ये पीछे ही आता रुको ये पार्ट रब करो देखो बच्चों जब स्टमक में फूड थ्री टू फोर आवर रहता है स्टमक में फूड कितने घंटे रहता है बेटा तीन से चार घंटे तीन से चार आवर रह रहा है यहाँ पर तो देखिए याद रखिएगा इस थ्री टू फोर आवर में फूड का जो बोलस बोलस आया है माउथ से प्लस उसके साथ बेटा क्या मिल गया गैस्ट्रिक जूस मिल गया है तो ये दोनों मिल करके मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अगर आटे को गूंदा होगा घर पे तो आटे में थोड़ा पानी मिलाते थोड़ा और मिलाओ वो पेस्ट जैसा हो जाता है तो वैसे ही फूड जैसे आपने ब्रेड चबाया रोटी चबाया गेहूं की सॉलिड था वो उसके अंदर सलाइवा मिला थोड़ा सा वो लुब्रिकेट हुआ हल्का फिर उसके अंदर और गैस्ट्रिक जूस मिल गया तो वो सेमी पेस्ट लाइक तीन से चार घंटे बाद सेमी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है और उस सेमी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को बेटा कहते हैं सी एच वाई एम ई चाइम मत पढ़िएगा काइम पढ़िएगा फूड बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस मेक फूड बोलस एज अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज काइम क्लियर बच्चों समझ में आ गई बातें यहां पर अब ये पाइलोरिस पार्ट है इस पाइलोरिस पार्ट के पास यहां पर एक स्पिंटर लगा हुआ होता है इस पाइलोरिस पार्ट के पास यहां पर एक मस्कुलर स्पिंटर लगा हुआ होता है जो फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है ठीक है तो पाइलोरिस स्पिंटर इज एसोसिएटेड एस विथ स्टमक कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो वहां पर पायलोरिस और लिवर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर एक और डक्ट ओपन होता है दैट डक्ट डक्ट इज कॉमन वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आई होप यहाँ तक आपका क्रिस्टल क्लियर होगा कोई डाउट कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू